आज फ्राइडे लंच है अगेन हमारे घर ना। चस्के शस्के चस्के मस्के मैं शस्के वाला शस्के बोलने लगी। बैकग्राउंड तो नहीं ना दिखाना तुम लोगों को। मैं फेरते फेरा ये मीठे लोगों की चाय यानी कि जिनको शुगर है, और ये फीके लोगों की चाय जिनको हमने चीनी डाल के चाय देनी है। चीनी वाली चटनी उन्होंने हमें भिजवा दी है, अंकल अभी समोसे लेके आ रहे हैं। सी बड़ी देर में कर दी मेहरबान, आते आते पहुंच गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल, दिस इज़ बीना एम के। आज हैप्पी फ्राइडे, और इस रूम को देख के आपको वैसे ही और ये देख के पता चल गया होगा कि आज फ्राइडे लंच है अगेन हमारे घर। अभी रूम की डस्टिंग तो मैं कर गई हूँ, तो अब इसको थोड़ी देर ऑन कर लेते हैं ताकि खुशबू हो जाए रूम में। आज ये वाला फ्लेवर मैं जो है ना इसके अंदर डालने लगी हूँ। और आज हमने कोई खास रेसिपी तो नहीं बनाई घर में, मीन्स लंच नहीं है। आज है लंच डिपायर का, हमने कहा थोड़ा सा जो है ना चस्के शस्के चस्के मस्के मैं शस्के वाला शस्के बोलने लगी, वो इनको लगवाए जाएं। तो वो लगवाते हैं इनको। आए हाय खुल ही नहीं रहा, एक मिनट ज़रा। ये है जी, इसकी खुशबू थोड़ी सी तेज़ है, वो जो लास्ट टाइम लगाया था ना रेड वाला, इसकी उससे काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। इसको मैं उससे भी ना थोड़ा कम टाइम लगाऊंगी क्योंकि ये काफ़ी तेज़ है। चले जी, ये ऑन हो गया, अब इसको यहाँ पे छोड़ के चलते हैं हम बाहर, बर्तन निकाल लेते हैं क्योंकि 2 बजने वाले हैं और नमाज़ पढ़ के सब ने आ जाना है, और तब तक हम अपने बर्तन शर्तन निकाल के तैयारी कर लेते हैं क्योंकि रेडीमेड सामान है सारा आ जाएगा और सब रेडी हो जाएगा। ये है जी मेरा सेटअप, वो सारे कुरान पाक पड़े हुए हैं। तो चले जी, मिलते हैं आपसे समोसे आने के बाद। अब निकालते हैं जी बर्तन, और हमारे हैं जी समोसे, और समोसे के हिसाब से हम ये वाली प्लेटें लेंगे। जिस चीज़ के लिए आप दावत में जो मेन्यू है उसके अकॉर्डिंग आप अगर बर्तन रखे ना तो ही प्यारे लगते हैं। तो ये, और चटनी वगैरह के लिए चटनी वाले बाउल्स निकाल लेते हैं, और ये बर्तन हैं जी इधर, यहाँ से उठा के फिर किचन में ले जाते हैं। बैकग्राउंड तो नहीं ना दिखाना तुम लोगों को। अच्छा जी, ये समोसे के लिए अब ट्रे निकालते हैं, अब 2 साइड से निकलेंगे ये। इस साइड पे भी बर्तन पड़े हुए हैं, वो वाले कुछ प्लेटें नीचे वाले सेट की निकाल लेंगे क्योंकि अब इतने बड़े बड़े तो सेट नहीं होते हैं ना, 24-24 प्लेटों वाले, तो फिर दोनों की मिला के सेटिंग हो जाएगी। तो चले जी, मैं बर्तन लेके चलती हूँ जी किचन में। देखिए जी, बर्तन मैंने सारे निकाल रही हैं जी जी जी, चने शने के लिए, ये समोसे खाने के लिए, ये है जी ट्रे, और साथ में चाय के कप। और चाय के कप ये जिस तरीके से पड़े हुए हैं ना, ये जगह कम लेते हैं। एक किसी दिन आपसे ये भी ब्लॉग शेयर करूंगी कि आप बर्तन वाले ड्रेसिंग की किस तरीके से सेटिंग करें कि वो जगह भी कम लें और उसके सारी जो शेल्फ हैं उनके अंदर वेट इक्वल आए, किसी जगह से ज़्यादा किसी जगह से कम ना हो, तो वो भी इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी। अभी इन बर्तनों को मैं लेके जाती हूँ किचन में, फेरते फेरा। बर्तन सारे जी मैं किचन में ले आई हूँ लंच से पहले। अगर ये चीज़ें कर ली जाएँ ये मेहमानों के आने से पहले तो बहुत आसानी हो जाती है। ये आलू और चने मैं थोड़े थोड़े बॉईल कर रही हूँ, बॉईल इसलिए कि अब मोस्टली हर जगह पे पतली सी चटनी मिलती है, तो ये फिर भी थोड़ी सी थिक लग रही हूँ। तो इसके अंदर मैं 1 प्याली उबले हुए आलू ऐड करने लगी हूँ। अब इसके बाद 1 प्याली ही मैं इसके अंदर उबले हुए चने ऐड करूँगी, इसको थोड़ा सा टेस्टी और थिक बनाने के लिए। आप भी अगर समोसे घर से बाहर से मंगवाएं, चटनी पतली हो, तो ये तरीका आजमा सकते हैं, बहुत अच्छी बनेगी। अब इसके बाद मैं सिर्फ इसके अंदर 1 प्याली दही डालूँगी, ये मंगा के रखिए, ये डालूँगी, और 1 चम्मच चाट मसाला। अच्छा जी, ये चटनी तो मैंने मिक्स करके रख ली है, मिक्स हो गई है। अब ये हमने मीठे में मंगाई है जी जलेबी गर्मा गर्म। अब इनको प्लेटों में निकाल लेते हैं। समोसों को आज पता नहीं क्या हो गया, हमारे पहले दिन से नज़र ही लग रही है समोसों को, वो पहुंचने का नाम ही नहीं ले रहे, और उनके वेट में मैं सारी तैयारी कर रही हूँ। इतने में अंदर सारे जो है
तलावत कंप्लीट हो चुकी है। और गरम गरम इतने मज़े की जलेबियाँ ना जी। इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मज़ीद मेरे अच्छे अच्छे व्लॉग्स के लिए ज़रा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखा करें, लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें और कमेंट तो फिर करना बनता ही है। ये हमारे एक कॉर्नर पे अंकल की ना फेमस है परीक परीक, वो जलेबियाँ निकालते हैं और बड़ी मज़े की, तो ये उन्हीं से मंगवाई हैं हमने। चले जी, ये हो गया जी रेडी। इसी के साथ इस साइड पे ये बाकी बर्तन पड़े हुए हैं और पीछे बन रही है जी चाय। एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ। ये मीठे लोगों की चाय यानी कि जिनको शुगर है, और ये फीके लोगों की चाय जिनको हमने चीनी डाल के चाय देनी है। चाय भी कड़ 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 के कड़ रही है, सिर्फ समोसे नाम पहुँचने की शक्ल में, सूरत में। समोसे अभी भी नहीं पहुँचे और समोसों की चटनी उन्होंने भिजवा दिया है। समोसे उन्होंने शॉप से अंकल ने फ्राई करके लाने थे और अंकल की बेगम ने घर हमें चटनी बना के भेजनी थी। ये ग्रीन वाली चटनी उन्होंने हमें भिजवा दी है। अंकल अभी समोसे लेके आ रहे हैं और ये जलेबियाँ वगैरह सब रेडी हो गया है, बर्तन शर्तन सब रेडी हैं, ओके हैं, बस ये अब समोसों का वेट कर रहे हैं। है नसी बड़ी देर में कर दी मेहरबान, आते आते पहुँच गए हैं, अब इनको सजाते हैं। एंड इट्स डन, सब कुछ डन कर लिया है, स्ट्रेटो वगैरह में सजा दिया है, चाय भी बस बिल्कुल रेडी है। ये मैं फाइनल इसकी लुक ले रही थी और फिर इनको वन बाय वन अंदर पहुंचा के फिर करते हैं जी चाय की तैयारी। चाय को कप में डाल के वो अंदर भिजवाते हैं। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, जो जो मेरा व्लॉग देख रहा है और यहाँ तक पहुँच चुका है, वो दुआ ज़रूर करिएगा कि अल्लाह ताला हमारी इस काविश को कबूल फरमाए और अपनी वारगा में कबूलियत का दर्जा दे। इसी के साथ जी इस लंच का सबसे लास्ट गर्मा गर्म चाय के साथ जी इसी व्लॉग का यहाँ पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप मेरे व्लॉग से बहुत खुश होते होंगे, मुझे सपोर्ट करते रहिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।